Hey guys, what's up? It's Fakia. Welcome back again to the new video of Ark Survival Reborn. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक मतलब ग्रीन हाउस को बनाया था ताकि हम उसमें से फार्मिंग करके और कीबल बना सके, ताकि हम बड़े बड़े डायनो को आसानी से टेम कर सके, क्योंकि कीबल से जो बड़े बड़े डायनो होते हैं वो काफ़ी आसानी से टेम हो जाते हैं। मतलब कि उन्हें टेम करने के लिए हमें मतलब ज़्यादा देर का वेट नहीं करना पड़ता, नहीं तो इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है बड़े बड़े डायनो को टेम करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट किया, ताकि फार्मिंग और डोडो भी हमने टेम कर लिया था, ताकि डोडो और इसके फार्मिंग के एक को मतलब फार्मिंग के सब्स्टिट्यूट को मिला के और हम ये कर सके, मतलब कि कीबल बना सके, जिससे कि तेज़ी में हमें चीज़ें मिल जाए। मैंने यहाँ से एक बार जो यहाँ पे उगा था मैं तोड़ के लेके जा चुका हूँ, और अभी बचे हैं ये, मतलब कि ये फिर दोबारा उग रहे हैं। ये मेरा फार्म था बाहर से, काफ़ी अच्छा फार्म हमने बनाया था, और देखने में भी रात को देखने में ये और अच्छा लगता है, मतलब कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ऑल राइट, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने फार्म पर, अपने मतलब कि अपने ये बेस पे, और वहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि हमें अभी करना क्या है। तो अभी हम बेसिकली टेम करने वाले हैं एक बहुत मतलब कि एक उड़ने एक और फ्लायर डायनो को, जिसका नाम है उसको जीजे, तो ऐसे कुछ बोला अर्जेंटीनस को मतलब हम टेम करने वाले हैं। वो मतलब इस वर्ल्ड का सबसे ख़तरनाक उड़ने वाला डायनो है, और उसे टेम करने में काफ़ी मेहनत लगेगा। इसके लिए हमें जो ये डायनो गेट है और ये जो डायनो का गेटवे है, वैसा हमें 5 गेटवे और 2 गेट बनाने पड़ेंगे, और फिर हमें एक बड़ी जो राइफ़ल होती है, बड़ी नेक वाली राइफ़ल, और उसके साथ एक जो पॉइजनस हमें वो होता है वो भी हमें बनाना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास उसे बनाने के लिए फ़िलहाल तो उतना ये नहीं है, उतना मतलब मेरे पास फ़िलहाल जो है वो नहीं है, उतना मेरे पे जो रिसोर्सेस होता है वो इस बेस पे नहीं है। लेकिन मेरा जो पुराना वाला बेस था वहाँ पे स्मिथी टेबल है, और उस सबको बनाने के लिए मेरे पास वो सब भी पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग अभी पुराने बेस पे चल लेते हैं। पुराना बेस तो यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, यहीं पर बस नदी बगल में ही है। यहाँ पे ज़्यादा जगह फ्लैट नहीं था, इसलिए हम मतलब यहाँ पे अपना बेस कंटिन्यू नहीं किया बनाना। ये रहा मेरा सामने पुराना बेस, यहाँ से सब कुछ हम वहाँ उठा के लेके जा चुके हैं। तो बेसिकली आज हम उसको जो अर्जेंटीनस है उसको टेम करने का जो प्रिपरेशन है सिर्फ हम वही करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसी को टेम करने का जो प्रिपरेशन है उसमें मेरा पूरा दिन चले जाने वाला है। अंदर तो कोई नहीं है, ओ भाई नहीं है। और लाइट तो इसमें कुछ खाना भी पड़ा होगा, ये खाना हम ले लेते हैं, और वहाँ से भी हम कुछ उठा के लाए हैं। ऑल राइट, तो हम अभी इसको यहाँ पे रख देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम यहाँ पे रख देने वाले हैं। तो अभी हमें ये जो लॉन्ग नेक का जो ये राइफ़ल है वो हमें एक क्राफ्ट कर लेना है, और ये जो है ऑल राइट, तो हमें सबसे पहले एक लॉन्ग नेक राइफ़ल जो है वो क्राफ्ट करना है। अभी देख लेते हैं कभी का वेपन, जो मेरा वेपन स्टेस है मिली और वेपन स्टेस, उसमें हम कभी का बना के ना रखे हों। ऑल राइट, तो ये नहीं है, ये जो छोटी नेक वाली राइफ़ल होती है वो है, बड़ी नेक वाली राइफ़ल मेरे पे नहीं है, बो वगैरह है। और इसके बगल में भी देख लेते हैं, मतलब बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि हम बना के रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से टूट चुकी है, तो इसको हो सकता है कि हम यहाँ पे रखें तो कम चीज़ें में और ये रिपेयर हो जाए। तो अभी हम यहाँ पे रख देने वाले हैं और इसको रिपेयर कर देने वाले हैं। लेट्स गो, ये रिपेयर हो रहा है अभी। और राइट, तो इसको 5 नंबर पे हम रख लेने वाले हैं, और अभी देख लेना है कि इसका जो लॉन्ग नेक राइफल का वेपन जो गोली बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। लॉन्ग नेक एमओ, ऑल राइट, तो सिंपल राइफल एमओ को बनाने के लिए 12 गन पाउडर और 2 हमें मेटल इंगट लगने वाला है, और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेटल इंगट पड़ा हुआ है। आई थिंक 500 से ज़्यादा मेटल इंगट यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है, और इसमें भी मेटल इंगट होगा। तो अभी मुझे सिर्फ गन पाउडर बनाना है, जो कि इसमें ऑल राइट, तो मेरे पास
काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स हैं, मतलब जिससे कि हम यहाँ पे गन पाउडर आसानी से बना सकते हैं। फ्लिंट वगैरह सब कुछ मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो अभी हम गन पाउडर बनाते हैं और फिर मिलते हैं। गन पाउडर बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो हमने मतलब कि लगभग 300 से 400 तक हमने स्पार्क पाउडर अभी बना लिया है। ऑलराइट, तो 300 से 400 तक स्पार्क पाउडर बना लिया है। अभी मेरे पास स्टोन भी है, चारकोल भी, अभी सिर्फ मेरे पास स्पार्क पाउडर का कमी हो रहा है। मतलब कि और ज़्यादा स्पार्क पाउडर होगा तो और ज़्यादा हम लोग वो बना सकते हैं, तभी हम 100 स्पार्क पाउडर और बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये 100 स्पार्क पाउडर है वो क्राफ्ट कर लेते हैं और फिर उससे हम यहाँ पे और ज़्यादा गन पाउडर बना लेंगे। इसमें तो काफ़ी लंबा प्रोसेस लगने वाला है स्पार्क पाउडर बनने में और ये करने में, तब तक हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो। ऑलराइट बॉयज़, तो अभी मतलब कि जैसा कि स्पार्क पाउडर अभी बन के रेडी ही होने वाला है, जस्ट अभी रेडी ही होने वाला है, तब तक ऑलराइट तो अभी स्पार्क पाउडर बन के रेडी हो गया है। अभी मेरे पास 74 और ये बन रहे हैं और इसे हम और 74 को क्राफ्ट कर लेने वाले हैं जल्दी से जल्दी। लेट्स गो। और 74 मेरे पास ये हो जाएगा, तब तक इस सब को हम निकाल के और वहाँ पे वो जो गोली होता है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी लंबा प्रोसेस लगने वाला है। लेट्स गो। ये बनता रहेगा, तब तक को हम इसमें स्पार्क पाउडर, जितना भी स्पार्क पाउडर हम इसमें डालते हैं और देखते हैं कि ये एमओ कितना बन पाता है। अभी ये एमओ 33 एमओ बन पा रहा है सिर्फ। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे 33 एमओ क्राफ्ट कर देने वाले हैं और 33 एमओ और जितना स्पार्क पाउडर यहाँ से निकलते जाएगा हम यहाँ ले आ के डालते जाएंगे। लगभग हमें कम से कम 130 एमओ कम से कम हमें बनाने होंगे, क्योंकि 130 फिर हमें ये जो ये रेड वाला डॉट दिख रहा है ये भी हमें बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, क्वांटिजाइजल डॉट, 3 नारकोटिक्स, 2 मेटल इंगट और 1 सिंपल राइफल एमओ। तो मेरे पास नारकोटिक्स तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, अभी हम नारकोटिक्स निकालते हैं। अभी इधर इसमें तो हम इधर कहीं नारकोटिक्स को रखे हुए हैं। ऑलराइट, तो हम अभी नारकोटिक्स ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ये जो मेरा फेस कैम है वो दिक्कत करता है, ठीक से दिख नहीं पाता है। ऑलराइट, तो अभी हम नारकोटिक्स को ढूंढने वाले हैं किधर को है नारकोटिक्स। ऑलराइट गाइज, तो अभी मेरे को नारकोटिक्स भी इसमें मिल गया है, इसमें आई थिंक इसमें हम कुछ देर पहले देखे थे। ऑलराइट, तो इसमें अभी मेरे पास 46 नारकोटिक है जो कि हम अभी इसमें डाल देने वाले हैं। और ये रहा 46 नारकोटिक, और भी मेरे पास नारकोटिक और पड़े होने चाहिए, क्योंकि मैंने जब एक बार मीट ख़राब हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा नारकोटिक्स मैंने बनाया था, अभी पता नहीं किस वाले। ऑलराइट था, तो इसमें अभी 300 नारकोटिक्स अभी पड़े हुए हैं, और ज़्यादा नारकोटिक्स अभी मेरे पास कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ा होगा, क्योंकि जब इस फ्रिज में मीट ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो मैं उसे नारकोटिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि उसे भी हम यूटिलाइज कर सकें। ऑलराइट, तो इसमें शायद से अभी कितना मेरे पास 66 जो है ये बनने वाला है, तो अभी हम इसको 66 क्राफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी 66 बुलेट ही है। लेट्स गो। तो अभी 66 क्राफ्ट होने में कुछ समय लगेगा, अब इसको अभी बना लेते हैं जल्दी से जल्दी। ये जो 66 ये जो गन का गोली था वो भी अभी बन के रेडी हो चुका है, अभी हम इसमें इक्विप कर देने वाले हैं और फाइव प्रेस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो एक अभी हम इसको फायर करके देखने वाले हैं, यहाँ पे आसपास देखते हैं कोई। ऑलराइट, तो ये वाला मेरा जो सीढ़ी है वो टूट चुका है। अभी और सारा जो मेरा मटेरियल था वो बन रहा है, अभी हम 66 गोली पे नहीं रुकने वाले हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा हम लोग ये गोली करने वाले। सबसे पहले हम इसको बिहेवियर जो है उसको सेट कर देते हैं फॉलोइंग पे। ऑलराइट, तो अभी हम इसके ऊपर अगर लैंड भी करते हैं तो अगर इसको छोड़ देते हैं तो ये मेरे नीचे ही रहेगा, मतलब इसके ऊपर हम आराम से लैंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी इसका भी बढ़ चुका है और मेरा भी बढ़ चुका है आई थिंक। और इसी का बात कर रहा था कि हम अगर इस पे अगर इसको फॉलोइंग करके डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसके ऊपर हम आराम से खड़े रह के और किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इधर हम ढूंढते हैं आसपास कोई डाइनो मिल जाए मुझे जिसका शिकार हम आसानी से कर सके। ऑलराइट, तो अभी रात भी हो चुका है और इधर ऑलराइट
अलर्ट, तो मुझे एक नीचे डाइनो मिल चुका है, अभी हम इस पर अटैक करने वाले हैं स्ट्रेंथ एरो से, बस इसे ना लगे नहीं तो ये एक बारी में बेहोश हो जाएगा और नीचे वाला फिर मेरे को पहुंचा देगा कहीं और। ऑलराइट, तो इसको सीधा कर देते हैं सबसे पहले, सीधा हो जा। ऑलराइट, तो अभी हम इस पर निशाना लगाने वाले हैं भाई, प्लीज। ओ शिट मैन, नहीं लगा, ये गोली काफ़ी महंगा है, इसको हम मतलब ये करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अबे शांत हो जा। ओ लगा 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 लगा, कितना असर हुआ, कुछ असर हुआ कि नहीं, ये तो बेहोश ही नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो अभी हम इसको यहाँ पे लैंड करवाने वाले हैं और देखते हैं कि वो नीचे वाला कितना पे बेहोश होने वाला है। आ जाओ ब्रो, बस नीचे ना गिरा दियो। किधर गया किधर गया किधर गया, इधर रहा, लेट्स गो। ओ भाई ये गोली काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, लेट्स गो। ओ भाई शिट, ये जो पॉइजन वाला मतलब था वो पॉइजन वाला जो ये मेरा गन है वो काफ़ी ख़तरनाक है। ये कितना लेवल का है, शिट भाई, मतलब एक गोली लगा और एक गोली में ही ये ढेर हो गया भाई, मतलब कि ये काफ़ी ख़तरनाक है, मतलब कि मैंने काफ़ी अच्छा गन बना लिया है जानवरों को टेम करने के लिए, मतलब बड़े बड़े डायनोज को टेम करने के लिए, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अभी सिर्फ हमें जो वो डाइनो का गेटवे था और जो डाइनो का गेट था सिर्फ हमें वो अभी सिर्फ वही क्राफ्ट करना है, तो उसको क्राफ्ट करने के लिए हमें फिर स्मिथी टेबल पे जाना होगा, देखते हैं कि वो कैसे होगा। वो जो डाइनो का गेटवे था तो वो तो हम इजीली क्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो वो पता नहीं उसमें हमें कितना ये लगेगा, मैंने बनाया है लेकिन अभी भूल गया हूँ कि उसमें कितना लगता है। तो अभी सिंपली हम क्या करने वाले हैं कि इधर से निकाल के और इधर चेक करने वाले हैं डाइनो का गेट। ऑल राइट, तो इसके बनाने के लिए हमें 280 स्टोन लगेंगे, 140 वुड और 100 टैच, जो कि हमें 5 बनाना है। तो डैट मीन्स कि हमें कम से कम 3-4 हज़ार स्टोन इकट्ठा करना होगा और सेम अमाउंट में हमें ये वुड भी इकट्ठा करना होगा तभी बन पाएगा। तो इस रिसोर्सेज को जमा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, मतलब कि अप्रॉक्स 1-2 आवर हमें इस सारे जो ये हैं उसको इकट्ठा करने के लिए हमें लगने वाला है। ऑलराइट, तो अभी हम इसको यहाँ पे लैंड करवा देते हैं और उस रिसोर्सेज को इकट्ठा करके और फिर मिलते हैं, या फिर जो बाकी का जो प्रिपरेशन है, मतलब कि वो जो डायनासोर का गेटवे गेट और बाकी सब कुछ बन चुका है, सिर्फ वो डायनासोर का गेटवे बनाना है और केबल के लिए मेरे पास सब कुछ रेडी हो चुका है, और फिर मुझे केबल बनाने के लिए इस बेस पे ही आना पड़ेगा। इस बेस पे इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि जो ये मेरा है, ये जो ये मेरा किचन है, ये जो किचन है जिसमें ये मैंने 62 एक भी किसी चीज़ का रखा है इकट्ठा करके, मुझे पता नहीं पालासुर का आएगा, ये 66 मेरा पालासुर का आएगा। एक मतलब कि काफ़ी पहले जब मैं वीडियोज नहीं बनाता था और इस गेम को खेला करता था तो इसी आइलैंड पे मैं खेला करता था ऐसे ही। तो यहाँ पे जो बाहर के तरफ ये वाला मेरा फार्म है, मतलब कि फार्म नहीं, एक तरह से मतलब जानवरों को रखने का एक जो फार्म था वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था। तो इसमें मैं काफ़ी सारा पारासुर को रखा था और टैम करता था, तो उससे मुझे 66 एक मिला है, तो मैं उससे भी केबल सुपर केबल पारासुर के एक से सुपर केबल्स को बनाया जा सकता है। तो हम सुपर केबल्स बनाएंगे और कल मिलेंगे तो फिर यहीं से, और जो हमने फार्मिंग की है उससे और सभी चीज़ें हमें आराम से मिल जाएगी। तो हमें सिर्फ कल केबल बनाना है, डायनासोर गेटवे बनाना है और कैसे भी कल अर्जेंटीना को टेम कर लेना है। अर्जेंटीना बेसिकली जहाँ मेरा मेटल फार्म है, ये इस कोऑर्डिनेट पे मेटल फार्म पे मेरे काफ़ी ज़्यादा मतलब अर्जेंटीना रहते हैं, लेकिन वो दिक्कत ये है कि कम लेवल के रहते हैं। तो अभी हम कम लेवल के ही अर्जेंटीना को टेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़े लेवल को अर्जेंटीना को हम टेम करने जाते हैं तो वो हमें इजीली तरीके से मार सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा उतना लेवल हुआ नहीं है। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ व्यू है रात के, ऐसा कुछ दिखता है मेरा जो ये है मतलब ग्रीन हाउस है, ऐसा कुछ दिखता है रात को। अभी मैंने इसे आधा अधूरा ही बनाया है, जैसे ये मैंने प्लेटफॉर्म बना के अभी छोड़ा हुआ है,
यहाँ पे भी जो वो कुछ डाइनो को यहाँ पे ला के रखने वाले हैं, और यहाँ पे भी एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना के यहाँ पे भी कुछ डाइनो का जो पेन होता है वो हम बिल्ड करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।